अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेज़बान सजीदा रसूल। पहले एक नज़र खास खास सुर्खियों पर। सऊदी अरब में मनासिक हज का आगाज, 10 लाख आज़मीन करेंगे हज बैतुल्ला की सआदत हासिल। कुलगाम में झड़प के बाद दो मुकामी मिलिटेंटों ने की वालिदैन की अपील पर खुद सुपुर्दगी। श्रीनगर बारामूला शहरा पर पट्टन के नजदीक बारूदी सुरंग को बनाया फोर्सेज ने नाकारा। बानिहाल में कौमी शहरा पर हुए हादसे में 7 अफराद जख्मी। अब खबरों की तफसील के साथ शेख तजम्मल। मनासिक हज का आज बाज़ाब्ता आगाज हो गया। साल 2020 और 2021 में कोरोना वायरस की वजह से बैरून ममालिक से आज़मीन की सऊदी अरब आमद पर पाबंदी आयद रहने के बाद रवां बरस 10 लाख आज़मीन हज बैतुल्ला की सआदत हासिल करेंगे, जिनमें 8.5 लाख गैर मुल्की आज़मीन भी शामिल हैं। खबरों के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले तमाम आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच चुके हैं और मनासिक हज में हिस्सा ले रहे हैं। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के हड़ीगाम इलाके में रात भर जारी रहने वाले मुहासरे और फायरिंग के बाद बुध की सुबह दो नए भर्ती शुदा मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने खुद सुपुर्द की। खबर रसाई इदारे JKNS के मुताबिक पुलिस जराये ने बताया कि कुछ मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक खास इतला मिलने पर फौज की 9 RR, CRPF और पुलिस व SOG की मुश्तरका टीम ने मंगल को शाम देर गए जिला कुलगाम के हड़ीगाम इलाके में मुहासरा और तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही मुश्तरका टीम मुश्तबे मकाम की तरफ पहुंची तो छुपे हुए जंगजू ने फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वहां पर एक झड़प शुरू हुई। पुलिस जराये ने मजीद बताया कि ये मालूम करने के बाद कि दोनों मिलिटेंट मकामी हैं, उनके अहल खाना को मौके पर लाया गया, जिन्होंने उन्हें हथियार डालने पर आमादा किया और आखिरकार दोनों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने हथियार डालकर सरेंडर किया। श्रीनगर बारामूला शाहरा पर उस वक्त ट्रैफिक की आमदोरफ्त एहतियाती तौर पर मुअत्तल करना पड़ी, जब बुध की सुबह पट्टन के मकाम पर शाहरा के किनारे फौज की एक रोड ओपनिंग पार्टी ने एक मुश्तबे चीज देखी, जो बाद अज़ां देसी साख्ता धमाका खेज सुरंग थी। खबरों के मुताबिक सिक्योरिटी हुकाम ने बताया कि बुध की सुबह अलसुबह जब फौज की एक रोड ओपनिंग पार्टी पट्टन इलाके में श्रीनगर बारामूला शाहरा पर मामूल की गश्त कर रही थी तो उन्होंने वहां पर एक मुश्तबे चीज देखी, जिसके बाद बम डिस्पोजल सुकार्ड को तलब किया गया और बम डिस्पोजल सुकार्ड ने इस बात की तस्दीक की कि मुश्तबे शय एक देसी साख्ता बारूदी सुरंग थी। बम डिस्पोजल सुकार्ड ने बाद अज़ां इस बारूदी सुरंग को नाकारा बना दिया, जिसके बाद शाहरा पर ट्रैफिक की आवाजाही फिर बहाल हुई। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर बुध की सुबह एक छोटी मुसाफर गाड़ी खारपोरा बानिहाल के करीब हादसे का शिकार होकर 150 फुट गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में ड्राइवर और 4 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 3 शदीद जख्मियों को GMC अस्पताल अनंतनाग मुंतकिल किया गया, जबकि बाकी 4 जख्मी सब जिला अस्पताल बानिहाल में जेर इलाज हैं। एक दिन तक मुअत्तल रहने के बाद अमरनाथ यात्रा बुध को जम्मू कश्मीर में मौसमी हालात में बेहतरी के साथ ही दोबारा शुरू हुई। हुकाम ने बताया कि यात्रियों के काफिले नुनवन, पहलगाम और बालतल बेस कैंप से बुध की सुबह रवाना हुए। उन्होंने कहा कि मंगल को मौसम की खराबी के बायस जिन 3000 यात्रियों को नुनवन बेस कैंप में रोका गया था, आज उनको आगे जाने की इजाज़त दी गई। हुकाम के मुताबिक अभी तक 75,000 से ज्यादा यात्री अमरनाथ गुफा में हाजिरी दे चुके हैं। इस दौरान जम्मू से बुध की सुबह 6,000 यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच वादी की जानिब रवाना किया गया। वादी कश्मीर में वक्फे से बारिशों के बावजूद भी शबाना दर्ज हरारत मामूल से ज्यादा दर्ज हो रही है। महकमे मौसमियात के एक तर्जमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें होने का इम्कान है, जबकि जम्मू में मौसलाधार बारिशें होने की पेशगोई की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को इस वक्त जबरदस्त मसाइब और मुश्किलात का सामना है और हुकूमती सतह पर बकौल उनके लोगों की राहत रसानी के बजाय आए रोज ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिससे न सिर्फ यहाँ की तहजीब व तमद्दुन को नुकसान पहुँच रहा है, बल्कि ये फैसले इक्तिसादी बदहाली, बेरोजगारी, नाउम्मीदी और मायूसी का भी सबब बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कॉलेजों में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्चुअल असातिज़ा ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में अपने मुतालबात को लेकर एक जोरदार एहतजाज किया। कॉलेज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले किए जाने वाले इस एहतजाज में शामिल आला तालीम याफ्ता नौजवानों ने इल्ज़ाम लगाया कि
अदालती अहकामात के बावजूद भी हुकूमत उनके मुतालबात और मसाइल को हल करने के हवाले से कोई इकदाम नहीं कर रही है। पुलवामा से हमारे नुमाइंदे तन्हा याज ने खबर दी है कि पुलवामा में भी कॉलेज कंट्रैक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन के अरकान ने अपने मुतालबात और मसाइल को लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया और इल्ज़ाम लगाया कि महकमे आला तालीम उनके मुतालबात को मानने से लगातार इनकार कर रहा है, जिससे उनका मुस्तकबल मखदोश हो चुका है। नाज़रीन, इसके साथ ही निदाए कश्मीर मल्टीमीडिया से खबरों का बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान शेख तजम्मुल और सजीदा रसूल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।